स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडेप्टिव साइकिल इंजन के बारे में, जिसको आप सिक्स जनरेशन इंजन भी कहते हो, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाल ही में जो इसका टेस्ट है वो कंप्लीट किया गया है जीई के द्वारा, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी है, किस तरह से काम करती है और क्या कुछ एडवांटेज है वो मिलने जा रहे हैं, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का आपको आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि जो हमारे अभी करंट इंजन्स हैं वो हाई थ्रस्ट लो बाईपास इंजन्स हैं और उनकी कुछ अपने ही लिमिटेशन है। और यहाँ पे इंजन के अंदर जो बाईपास है वो फिक्स्ड है। अगर लिमिटेशन की बात करते हो तो यहाँ पे इंजन्स को ऑपरेट करना पड़ता है वेरिएबल टेम्परेचर में, प्लस फाइटर जेट के पर्सपेक्टिव से जो इंजन की मिशन रिक्वायरमेंट है वो काफी वर्सेटाइल है। जैसे कि आपको ऑपरेट करना है सबसोनिक में, सुपरसोनिक में और ट्रांसोनिक में, इन तीनों ही कंडीशन को फेस करना पड़ता है आपके इंजन को। तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें नीचे आती हैं और जो एसएफसी है यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन वो ऊपर जाता है। और इन सभी पैरामीटर को देखते हुए जो वेरिएबल साइकिल इंजन है उनका कॉन्सेप्ट सामने आया कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जिसकी जो एंड्योरेंस है वो लंबी हो, थ्रस्ट वो हायर दे, प्लस उस इंजन को कोई भी फर्क न पड़े कि वो कहाँ ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो सबसोनिक हो, ट्रांसोनिक हो या फिर सुपरसोनिक हो। तो इन सभी चीजों से उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब जाके ये जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया था, जिस पे काम करना जीई ने शुरू किया था 2007 में। जो पहला ग्राउंड टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था 2013 में और अब जाके जो सारी टेस्टिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। तो आने वाले टाइम में जो आपके फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट होंगे उनमें इस तरह का जो इंजन है वो आपको ज्यादातर देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे बात करोगे वेरिएबल साइकिल इंजन की, तो ये कई तरह के होते हैं। अडेप्टिव साइकिल इंजन उसी का एक पार्ट है। वेरिएबल साइकिल इंजन की टाइप की बात करते हो तो जो पहला टाइप है वो थ्री स्पूल मॉड्यूलेटिंग बाईपास रेशियो वाला इंजन है। जो दूसरा टाइप है वो डबल बाईपास वीसी है, यानी कि वेरिएबल साइकिल इंजन, ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड है आपका सेलेक्टिव ब्लीड टाइप और जो फोर्थ है वो वेरिएबल स्टीम कंट्रोल इंजन है। तो ये चार तरह के मुख्य आपके वीसी होते हैं, यानी कि वेरिएबल साइकिल इंजन। इसमें से जो आपका वीसी है जो कि आप इस्तेमाल करने जा रहे हो फाइटर जेट में, वो थ्री बाईपास इंजन है, जहाँ पे डबल बाईपास में एक और जो डक्ट है वो जोड़ दिया गया है। तो मुख्यतः इस इंजन को जानने के लिए हम दो एस्पेक्ट रखने वाले हैं। पहला हो जाएगा थ्रस्ट को लेके और जो सेकंड एस्पेक्ट है वो एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को लेके है। तो इन दो एस्पेक्ट से हम इनको जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रस्ट को लेके कि किस तरह की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले एयरक्राफ्ट में आपको पड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि आप एक लॉन्गर सॉर्टी कर सको, जिसके लिए जो आपका फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए, जो थ्रस्ट है उसी फ्यूल में वो हायर होनी चाहिए। उसको अचीव करने के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो इंजन का थ्रस्ट होता है वो मुख्यतः दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर भी चुके हैं। जो पहला पैरामीटर है वो प्रेशर रेशियो है और जो सेकंड पैरामीटर है टेम्परेचर रेशियो है। ये दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पर अडेप्टिव साइकिल इंजन में हायर प्रेशर रेशियो को अचीव करने के लिए जो कंप्रेशर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। मतलब जो ब्लेड होंगे वो हायर लोड को सस्टेन करेंगे, जिससे कि सेम ही स्टेज में जो कंप्रेशन रेशियो है वो आपको अच्छा खासा अचीव हो जाए। ये जो एक इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। सेकंड इम्प्रूवमेंट हम सभी जानते हैं टेम्परेचर रेशियो को लेके है। टेम्परेचर रेशियो क्या होता है? जो हाईएस्ट टेम्परेचर आपको मिल रहा है आपके टर्बाइन के इनलेट पे, उसका रेशियो होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से। तो वो आपको अगर हायर अचीव होगा तो कहीं की जो थ्रस्ट का जनरेशन है वो हायर होगा। यहाँ पे चैलेंज अभी इस टाइम में ये है कि अगर आप टर्बाइन के इनलेट पे हायर टेम्परेचर अचीव करते हो तो कहीं की टर्बाइन ब्लेड की जो क्वालिटी है वो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ब्लेड की जो कूलिंग है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो हॉट कोर है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट का, यानी कि सीएमसी का, और एक स्पेशल तरह की जो कोटिंग है वो आपके ब्लेड के लिए आपने डेवलप की है ताकि आप अडेप्टिव साइकिल इंजन में इस्तेमाल कर सको। तो ये जो दो प्राइमरी इम्प्रूवमेंट है वो किए गए हैं। अब स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की बात करोगे जो कि एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करेगा, वो है इस इंजन में दिया गया थर्ड बाईपास डक्ट, जो कि आपके इंजन के सरफेस के जस्ट ऊपर से पास होता है। और ये जो थर्ड बाईपास है ये आमतौर पे आप फैन के स्टेज से उठा के भेज देते हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा। सपोज करो ये जो इंजन है वो आपने किसी एयरक्राफ्ट में लगा दिया है, आपके जो ऑपरेशन है वो काफी नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट है एयर की आपके कोर के अंदर वो कुछ खास नहीं होगी। जितनी भी आपको एयर रिक्वायर्ड होगी आपके कोर में उतनी ही एयर आप लेके बाकी की जो एयर होंगी उनको आप बाईपास कर दोगे सेकंड बाईपास से और थर्ड बाईपास से, जो कि ये दो पाइप आपको दिख रहे होंगे। कहने का अर्थ ये होगा कि आपके इंजन के कोर में वो जो एयर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये बात होगी नॉर्मल कंडीशन में। जैसे ही आप सबसोनिक से सुपरसोनिक में जाना चाहोगे, और सपोज करो जो आपके पास इंजन है वो नॉर्मल इंजन है, फिक्स्ड फ्लो वाला इंजन है, फ्लो वहाँ पे वेरिएबल नहीं है, मतलब उसमें जो थर्ड बाईपास है वो नहीं दिया गया है, तो जैसे ही जो आपके एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो बढ़ेगी तो एयरक्राफ्ट के इनलेट पे जो स्पिल ड्रैग है वो बढ़ने लग जाएगा। स्पिल ड्रैग बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी रैम एयर होती है वो आपके एयरक्राफ्ट के इनलेट से टकरा कर उछल के बाहर जाने लग जाती है, और कहीं के जो इस तरह का फ्लो है वो आपके एयरक्राफ्ट के एयरोडायनामिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब भी आप क्रूज कर रहे होते हो तो आप ये चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो एयर है वो आपके इंजन के कोर में जाए, उनका प्रॉपर कंप्रेशन हो, उसमें आप फ्यूल ऐड करो और जो थ्रस्ट है वो निकालो। लेकिन यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो हायर है, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में जो कंप्रेशन है, कंबशन है और जो थ्रस्ट का एक्सट्रैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है सुपरसोनिक कंडीशन में आपके नॉर्मल इंजन के द्वारा। यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके इंजन के एग्जॉस्ट में जो अनबर्न्ड कंटेंट है वो हायर होगा, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो नीचे गिर जाता है। तो ये तो बात होगी आपके नॉर्मल इंजन की।
यहाँ पे आप जैसे अडेप्टिव साइकिल इंजन को इंट्रोड्यूस करोगे तो जो पहले वाले केस में एयर फ्लो जो स्पिल हो रही थी वो यहाँ पे स्पिल नहीं होगी। उस एयर फ्लो को आप अंदर ले लोगे और जितनी एयर आप चाहोगे कोर में भेजना उतना आप कोर में भेज दोगे और जो बाकी की एयर होंगी उनको आप डाइवर्ट कर दोगे सेकंड और थर्ड डक्ट में जो कि इसमें दिया गया है। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे आप सबसोनिक से ट्रांसोनिक में जाओगे और ट्रांसोनिक से सुपरसोनिक में जाओगे तो वहाँ पे ये जो इंजन होगा वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब जिस तरह की एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट है आपके कोर के अंदर वो ये खुद ही मैनेज कर लेगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और बाकी की भी जो एयर होंगी उनका भी इस्तेमाल कर लेगा थर्ड और सेकंड डक्ट की हेल्प से। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि जो आपका थर्ड और सेकंड डक्ट है वो भी कहीं इनके हेल्प करेगा मास फ्लो रेट में कि आपके इंजन में एक्स अमाउंट ऑफ जो एयर का मास है वो एंटर कर रहा है और वाई अमाउंट ऑफ जो एयर का मास है वो एग्जिट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मास फ्लो रेट है ये आपको हेल्प करेगा आगे प्रोपेल होने में। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर एयर को यूटिलाइज कर रहे हो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए, और वो पैरामीटर तो पहले से ही यहाँ पे हैं जो कि हम पहले बात कर रहे थे। जैसे ही जो एयर है वो कोर में एंटर कर गई है उसका कंप्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा वो हायर होगा, कंप्रेशन हायर होगा तो कंप्रेशन चैम्बर में जो एटमाइजेशन है फ्यूल का एटमाइजेशन वो प्रॉपर होगा, वो एक प्रेशर से बिखरेंगे जिसके फलस्वरूप जो बर्निंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी और एक हायर टेम्परेचर आपके टर्बाइन के इनलेट पे अचीव होगा, और उसको सस्टेन करने के लिए जो टर्बाइन के ब्लेड्स हैं वो आपने वैसे ही बनाए हुए हैं। तो ये तो बात रही एयर डायनेमिक परफॉर्मेंस कंप्रेशर और टर्बाइन की। आते हैं एग्जॉस्ट पे, तो जो भी गैस बर्न होने के बाद आपके हॉट कोर को छोड़ रही है उसको प्रॉपरली एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर जो नोजल है वो वैसे ही बनाए गए हैं, उनकी जो शेपिंग है उसी प्रकार से की गई है ताकि जो एक्सपेंशन हो वो आपको प्रॉपरली अचीव हो पाए। यहाँ पे एक और की पॉइंट ये है कि जो थर्ड एयर आप पास कर रहे थे ऊपर वाले डक्ट से वो यहाँ पे क्या करेगा, उसका जो टेम्परेचर वो तो कम ही है तो बेसिकली वो आपके इंजन को कूल रखेगा क्योंकि वो आपके इंजन के चारों तरफ है सरफेस पे, तो आपके इंजन को कूल रखेगा और जैसे ही वो एग्जॉस्ट के आसपास पहुंचेगा तो वहां पर जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है उनके साथ मिलके उसको भी कम कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो आयर सिग्नेचर आपके एयरक्राफ्ट का वो कम होने जा रहा है, चाहे आप सुपरसोनिक पे ऑपरेट करो ट्रांसोनिक पे ऑपरेट करो तो हर कंडीशन में जो आयर सिग्नेचर होंगे वो मैनेज रहेंगे। तो ये भी एक एडवांटेज है यहाँ पे जो कि ऑब्वियसली रिक्वायर्ड आपके फ्यूचर के एयरक्राफ्ट में। अब बात करते हैं कुछ स्टैट की, तो जहां तक थ्रस्ट की इंप्रूवमेंट की बात है तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो इसलिए बढ़ रहा है कि जो कंप्रेशन रेशियो आप हायर अचीव करोगे उससे क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ एयर में जो कि हाईली कंप्रेस है और उसमें आप थोड़ा सा जो फ्यूल है वो ऐड करोगे तो जो मिक्सिंग ऑटोमाइजेशन है वो प्रॉपर होगा सेम फ्यूल में। यहाँ पे फ्यूल कम बर्न होने की वजह से जो रेंज है वो बढ़ने वाली है, स्टैटिक तौर पे जो रेंज है वो 30% से बढ़ने वाली है जबकि जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है वो 25% से बढ़ रहा है और यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो 10% से बढ़ने जा रहा है। ये कुछ जो डेटा है वो अचीव अप कर रहे हो इस इंजन की हेल्प से, काफी स्मार्ट इंजन होने जा रहा है जो कि AI कंट्रोल्ड होगा और वहाँ पे ये सक्षम होगा अपने फ्लाइट पाथ मिशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने में। तो इसको लेकर जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं GE के द्वारा, हो सकता है आने वाले 5 से 6 सालों में ये आपको ऑपरेशनल दिखे। जहाँ तक बात करते हैं भारत के पर्सपेक्टिव से तो अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जो एक स्टडी है वो कंडक्ट की गई थी DRDO के द्वारा इंप्रूव्ड इंजन को लेके, हो सकता है प्रॉब्ली एनुअल टाइम में अराउंड 2035-2040 ऐसे जो इंजन है उनको लेकर विचार किया जाए आपके AMCA के लिए भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।